हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम, ठीक है, आज शाम के लिए हम स्पेशली रीडिंग करने जा रहे हैं। आज शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, गाइड करें एंजल्स। ओके, गाइड करें। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, चलिए। सो गाइस, जो ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा था, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा था ₹200 ऑफ का, ठीक है, वो ऑफर अब समाप्त हो चुका है, ठीक। आज जो है, अभी जो है, पाँच बजे के करीब वो ऑफर ख़त्म हो गया। अब आप लोग के लिए दूसरा ऑफर आया है जो कि इससे भी बड़ा ऑफर है और बहुत अच्छा ऑफर है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कहीं से भी हैं आप, ठीक है, तो उस पर आपको भारी छूट दी जा रही है, ठीक है। तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। रोज़ क्वार्ज ब्रेसलेट अगर आपको लेना है, रोज़ क्वार्ज ब्रेसलेट अगर आपको लेना है, उस पर काफ़ी अच्छी छूट है, ठीक है। उसके साथ अगर आप टाइगर आई ब्रेसलेट लेते हैं, उस पर भी काफ़ी अच्छी छूट है। तो एकदम से कांटेक्ट कीजिए, देर मत कीजिए, ठीक है, कांटेक्ट कीजिए फटाफट। और कल फुल मून के बाद आपको एक्टिवेट करके भी दे दिया जाएगा, इसलिए स्पेशली कल के लिए हमारा ये ऑफ़र रहने वाला है। आज शाम से, यानी कि 5 बजे से ये ऑफ़र है। अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, फटाफट बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है, ठीक है। आपको पता है कि मैं डिस्काउंट कभी नहीं करती हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं जो है आप लोगों के लिए रक्षाबंधन के लिए, बहुत लोग कह रहे थे कि दी कोई डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आ गया है, जल्दी जल्दी बुकिंग करवा लो। और फुल मून के बाद तो आपको पता है कि और भी ज़्यादा वर्क करता है। चलिए, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द स्टार, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, चलो यहाँ रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो यहाँ पे गाइस, कार्ड्स जो है मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग सी फीलिंग्स या इमोशंस को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज शाम। ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा आपको एक हीलर समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे कोई भी दुख दर्द कहा जा सकता है, आपसे कुछ भी डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास उसका सॉल्यूशन भी होता है और काफ़ी बेहतरीन सा सॉल्यूशन होता है। आपके पास ऐसा नहीं होता कि बस सुन लिया बस हो गया, है ना,
ऐसा कोई जो है ना यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो है यहाँ पे एकदम से बहुत अच्छे चांसेस आए गए हैं, या कहें तो ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसके बगैर मेरे लाइफ में जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें उथल पुथल मची हुई हैं और मुझे दिख रहा है जैसे कि लाइफ एकदम से स्टक है, एकदम मेरी ज़िंदगी जैसे कि जो है ना एकदम से कहते हैं ना कि तकलीफदायक हो गई है मेरी ज़िंदगी। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे और मेरे पर्सन के बीच में अब ये जो दूरी है, ये जो अटैचमेंट है, मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हम दोनों को ही बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं जानता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं परेशान चल रही होगी और मैं भी कहीं ना कहीं परेशान हो गया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं ना उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, बहुत ही ज़्यादा नाराज़। मैं अपने आप को, अपनी तकलीफ़ों को, अपने बेचैनी को है ना मैं नहीं कर पा रहा, जैसे एक्सप्रेस करते हैं ना, तो मैं नहीं कर पा रहा, मैं अंदर ही अंदर तकलीफ़ के मारे मरा जा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान। तुम समझ नहीं सकते कि मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ ना, वो सिचुएशन मेरे लिए इतनी हार्ड है कि रात को कभी नींद नहीं आती है, इतना ज़्यादा मैं परेशान हो जाता हूँ उसके बारे में सोच करके उसको फील करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं इतना ज़्यादा जो है तकलीफ़ फेस कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा जो है दर्द फेस कर रहा हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं अंदर ही अंदर घूट रहा हूँ, अंदर ही अंदर चीज़ों को जो है ना देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एकदम से तकलीफ़ों को देख करके एकदम अपने आप से खफा हो गया हूँ, अपने आप से। मैं अपने आप को जो है ना उस तरीके से नहीं देख पा रहा जिस तरीके से मुझे देखना चाहिए, जिस तरीके से मुझे फील करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को फेस करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मैं बहुत अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि उसके साथ जो मेरा कनेक्शन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एकदम से फ्रस्ट्रेशन में ही जी रहा हूँ। मेरी लाइफ में जो है ना कभी भी खुशियाँ नहीं आई। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि क्यों मेरी खुशियाँ भगवान छीन लेता है, क्यों मैं अपने आप को
उस तरीके से नहीं फील कर पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं उसके साथ हुआ करता था तो फील करता था। मैं एकदम से तनाव हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, उससे बात करना चाह रहा हूँ, मिलना चाह रहा हूँ, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन समय का ऐसा है कि नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने उसे झूठ बोले, बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ दे रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ये मुझे तकलीफ दे रहा है। मैं इतना ज़्यादा खुल के बातें कर रही हूँ या कर रहा हूँ ना तुमसे, मैं कभी किसी से खुल के बातें नहीं कर पाता। मैं एकदम से तन्हा हो गया हूँ, एकदम से बेचैन हो गया हूँ। मैं इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ। कभी कभी लगता है जैसे कि जितना मैं कुछ कर रहा हूँ, जितना कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उतना कुछ मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मैं उस तरीके से मैं रह पाऊँगा कि नहीं रह पाऊँगा, पता नहीं। मैं कैसे कर पाऊँगा मैनेज, कैसे नहीं कर पाऊँगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं अब क्या करूँगा लाइफ में, कैसे आगे बढ़ूँगा। कभी कभी लगता है कि चलो उसका मिलना तय है, मेरी लाइफ में आना तय है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, उसका ध्यान ही मेरे ऊपर नहीं है तो क्या आएगी वो। तो मैं एकदम से तनहा हो गया हूँ, मैं एकदम से परेशान हो गया हूँ, मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है। सोच सोच करके मैं इतना ज़्यादा हैवी फील कर रहा हूँ ना, मेरी सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ ना कि मेरी सिचुएशन कोई समझ ही नहीं सकता, मुझे ऐसा ऐसा फील होता है। चलिए देखते हैं कि और इनको क्या एडवाइस मिली है। फाइव ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन दिख रहा है ना, ओके, द हैंगमैन एंड ये कार्ड है मेरे पास, सेवन ऑफ कॉइन्स, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन बताते हुए दिख रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना एकदम से जो होता है ना कि हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम लाइफ में चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, लाइफ में खुशियों को नहीं समझ पाते हैं, तो वो हमारे अंदर की कमियां हैं। हमारे अंदर का जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही सारी चीज़ की कमियां आ गई हैं। आपके पर्सन के दोस्त उनको बताते हुए दिख रहे हैं कि देखो लाइफ में स्ट्रगल है, लाइफ में रिलेशनशिप में स्ट्रगल है तुम्हारे, ठीक है, वो तो मैं तुम्हारी अच्छे तरीके से देख रहा हूँ कि लाइफ में तुम्हारे बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जिसको तुम फेस कर रहे हो, जिसको तुम देख रहे हो। और मुझे पता है कि तुम अक्सर रातों को सोया नहीं करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ऑनलाइन चेक करता हूँ और देखता हूँ कि तुम अभी तक ऑनलाइन हो, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक सुबह के तुम ऑनलाइन रहते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मतलब तुम्हें याद आता है, मुझे पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रातों को जगो, और क्या है ना कि तुम रातों को जगोगे और उसने देखा तो उसके माइंड में कुछ और आएगा, ठीक है। तो तुम ये चीज़ें सबसे पहले बंद करो, और बार बार सोचना, बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचना बंद करो, ठीक है। लाइफ में कुछ बेहतर करो, रिस्क लो, ठीक है, अगर रिस्क ले सकते हो रिस्क लो। मुझे लगता है कि तुम्हें रिस्क लेना चाहिए। अपनी फैमिली से तुम्हारे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या फैमिली वाले तुम्हें मना कर सकते हैं, थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। मेरे ख्याल से तुम्हें रिस्क लेना चाहिए। द एम्प्रेस का कार्ड है,
द एम्प्रेस का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन के दोस्त इनको आपके करीब ही आने के लिए कह रहे हैं। इनका जो सलाह मशवरा कह सकते हैं कि वो यही है कि दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं रहो, दो लोगों में कंफ्यूजन में मत रहो। तुम अपना अच्छा भला बुरा सब जानते हो और तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपना डिसीज़न खुद लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ की ओवरऑल रीडिंग में आपके पर्सन के दोस्त जो हैं उनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनको बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।